मैडम जैसा कि आप देख सकती हैं यहाँ बहुत तेज तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, किसी का लड़का उड़ जा रहा है, किसी के बच्चे बह जा रहे हैं, यहाँ बहुत तेज बाढ़ भी आ रही है, बारिश भी हो रही है, पतरा उड़ गया है, छतरा उड़ गया है मैडम। हाँ मैं भाईंदर खाड़ी के पास खड़ा हूँ। जानना चाहूंगी कि ये कौन सा लड़का है जो उड़ चुका है, बाप का नाम सिमूरत है, बताया जा रहा है कि लड़का उड़ चुका है। नहीं उड़ा है तो पड़ोस में पकौड़ी खा रहा है, पता चला है न्यूज़ गलत निकली है, जो लड़का उड़ा है बोला जा रहा था वो पड़ोस में पकौड़ी खाता हुआ पकड़ा गया है। तो अभी अभी हमारा जो अंदेशा था वो झूठा निकला है, और जो वो लड़का था वो उड़ा नहीं है, वो पड़ोस में बैठ के पकौड़ियां खा रहा था। जी सही कह रही हूँ मैं जी? जी जी सही बोल रही हैं जी, आप बहुत सही बोल रही हैं मैडम। बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, और मैंने अपने पैंट जो है उसमें दो बेल्ट बांधा है, एक पैंट पे और एक चड्डी पे, ताकि कुछ भी उड़े नहीं। और कैमरामैन जो था वो दे दिए थे सेकेंड हैंड, आदमी साला भाग गया गाँव, बोलता है जान रहेगी फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, मुंबई में तबाही आ गई है, कभी कोरोना हो रहा है, कभी फोरोना हो रहा है, अब ये तूफान आ रहा है। वेरी गुड समाधान जी, जी बहुत जी जी आपको जी अकेले अकेले लगे हुए हैं, और हमारी लगी हुई है, सब कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे बीच के बीच में खड़ा कर दिए हो, कभी अस्पताल भेज देते हो, कभी कहाँ भेज देते हो, पैसा कुछ देते नहीं हो आप लोग। जी काफी तारीफ कर रहे हैं समाधान जी हमारी, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लग रहा है तो। और इसी आप भी चैनल को मोटिवेट करते रहिए, और हमारे समाधान जी को भी मोटिवेट करते रहिए। पैसा और बताइए, और स्थिति क्या है वहाँ पे? स्थिति बहुत ही खराब है यहाँ पे, बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं, नारियल का झाड़ इधर उधर हिल रहा है, नारियल नीचे गिर जा रहा है, एक नारियल तो एक बुड्ढे के ऊपर गिर गया, उसके टकले से भी खून निकलने लगा, पानी निकलने लगा लाल लाल, और नारियल में से भी सफेद सफेद पानी निकलने लगा, दोनों नारियल एक दूसरे में लड़के भिड़ के फूट गए हैं। जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, टकले से लाल लाल पानी निकल रहा है, क्या आप क्लियर कर पाएंगे इस चीज को? अरे खून मतलब इंसान का खून पानी तो होता है लाल लाल। ओ शिट, कुछ मुझे पता लगता है। समाधान जी प्लीज खून की बात ना करें, मैं थोड़ी डायबिटिक हूँ तो मुझे खून से बहुत ज्यादा टेंशन होता है। जी और बताइए, और बताइए। मैडम बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, और बहुत तेज लहरें चल रही हैं, लोगों को कहा गया है कि यहाँ से हट जाएं, बीच से हट जाएं, और बड़ी तेज हवा चली, पांच छह मछली सीधा घर में घुस गई उड़ के। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। मछली आप पकड़ पाए कि नहीं? एक दो हम नहीं पकड़ पाए ना, घर तो खाली करवा दिए थे, एनडीआरएफ पकड़ने के चक्कर में गए थे लालच में, देखो हम भी बड़े लालची हैं बता रहे हैं, लालच में पकड़ने गए थे, और दो तीन डंडा एनडीआरएफ की टीम पीछे मारी है, अभी देखो निशान दिखा दूं पर कैसे दिखाऊं, पीठे पे लगा हुआ है कैमरा, पहुंच नहीं रहा, अकेले है ना, कैमरामैन भाग गया। जी क्या क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप किसी और को कैमरा पकड़वा के वो निशान दिखा दे हमें? हमारे लिए बहुत बड़ी फुटेज होगी वो। एक एक सेकेंड है, एक सेकेंड मैडम, ए इधर आओ इधर, अरे 50 रुपया देंगे बे। नहीं नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि बहुत तेज हवा चल रही है, बाढ़ आ रही है, जान से बढ़ के पैसा थोड़ी है, क्या करूँ, 100 रुपये बोलूँ? जी 100 रुपये पहुँच जा रहा है, थोड़ा कम कम बोल, 50 50 बोलो, 50 बोलो। बोला 50 रुपये नहीं मान रहा है, दे दे 50 रुपये अपने जेब से दे दे, बाद में देख लेंगे। लो यार 50 रुपये पकड़ो, देखो एक तो यहाँ पे लग चुका है, तुम दिखा नहीं रहे हो, तुम्हारे लिए इतना चक्कर में, इधर कोरोना फोरोना हर जगह घूमते रहते, साले चूतिया हैं हम, पागल हैं हम लोग, गधा हैं, गाली तो खा गया। देखिए एनडीआरएफ की टीम तो नहीं लड़ रही है, बाकी यहाँ पे तीन बच्चे आपस में बहुत मारपीट कर रहे हैं, वो लोग बहुत लड़ रहे हैं, उनको दिखा दूं? उनको दिखा दूं? इधर आओ, ए कैमरे में लड़ो, नहीं लड़ो कैमरे में, लड़ ले पूरी दुनिया दिखेगी, नहीं लड़ोगे? अब नहीं, वो भाग गए देख के कैमरा। लोकल्स को सांप बीछी दिखा दिया जा रहा है, कभी कभी डंडा, कभी कभी बंदूक दिखा के भगाया जा रहा है, लोकल भाग नहीं रहे हैं, जाते हैं फिर आधे घंटे में देखने आ जाते हैं, और हाथ के पीछे ऐसे कमर पे हाथ रख ऐसे करके बोलते हैं कि कुछ बढ़ा कुछ बढ़ा, ऐसे करके वो लोग चिढ़ा चिढ़ा के भाग रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम परेशान है यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रही है, गवर्नमेंट बिक गई है बोल रहे हैं, बिक गई है गवर्नमेंट।
जी जी बिल्कुल सही कहा, लगता है गवर्नमेंट दिख ही चुकी है। लेकिन और जानना चाहेंगे, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कहीं आपको भी तो नौकर नहीं समझ लिया गया, और कहीं आपने भी चपेट तो नहीं खा लिए का? अरे बोल तो रहे खा लिया, अभी देखो पीछे से मार के, अभी जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसको काटना पड़ गया, पीछे से मार के भाग गया। बोलते हैं NDRF वाले बहाने से अब तो लोकल वाले मार के भाग रहे हैं। बोलते हैं NDRF सफ़ेद चड्डी पहन के निकले, खूब मार रहे हैं। एक बार तो मेरे को खूब धुन दिए थे, अभी मैं नहा के आ रहा हूँ, इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो पूरा रेती सीमेंट ऊपर से उड़ गया है, नहीं तो बहुत मार खाया था मैं भी। मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बारिश हो रही है उसके कारण ना मैंने छतरी खरीदी थी 300 रुपये की, क्योंकि चैनल वाले तो दे नहीं रहे थे तो अचानक से बारिश होने लगी तो मुझे छतरी खरीदने लगी। मैं भुट्टे की दुकान पे मैं भुट्टा सिकवा रहा था तो अचानक से बारिश होने लगी तो मुझे भाग के फिर छतरी खरीदने लगी पड़ी। तो बाद में मैंने जब छतरी खरीद लिया तो मैं चैनल से कहा फ़ोन करके कि आपके ही काम के लिए तो आया था, तो छतरी का 300 रुपये दे दिए, तो वो 300 रुपये नहीं दे रहे हैं और छतरी भी उड़ के टूट चुकी है। तो मैडम आप बताइए क्या किया जाए, आप देंगे कि नहीं 300 रुपया? नहीं मैडम, उम्मीद रखा हूँ क्योंकि कैमरामैन तो भाग गया था, साला बोला कि हमारा आखिरी दिन है ज़िंदगी का, कहीं इधर आखिरी दिन ना हो जाए, इसी चक्कर में बोला मुंबई में ये हो रहा है वो तो भाग गया है। लेकिन मैं फिर भी हौसला बना के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपके चैनल के लिए काम कर रहा हूँ। एक बात और बता दूँ मैडम, चाय और समोसा ख़रीदा था, चाय 5 रुपये की थी और समोसा 10 रुपये का था, और बड़ी तेज़ हवा चली, समोसा नीचे गिर गया और चाय ऊपर उड़ गई, और कुछ खाने नहीं मिल रहा है। आप तो ऑफिस में मस्त AC में बैठ के रुआबज़ा चूस रही हो, चाय पी रही हो, पकौड़ी खा रही हो, मौसम को एंजॉय कर रही हो, और हम लोग को यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है मैडम। तो फिर बताओ हमारे लिए क्या किया, हम लोग क्या यहाँ पगलेट है, पागल हैं? जी समरदा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, ठीक है देखा बोल रहा था, बेइज्जती नहीं सुनाई देती है, बेइज्जती नहीं सुनाई देती है, बोल रहा था मैं। हाँ मैडम जी बोलिए। अरे तो सब जीवित हैं ना, जीवित ही हैं सब, मार के भगा दिए गए, और जो जितने मुर्दा थे वो पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव, उनको गाड़ दिए गए हैं। तो जितने भी जीवित हैं सबको भगा दिए गए हैं, और आप देख सकती हैं यहाँ पे मैं आपको सामने दिखा दे रहा हूँ मैडम कि पूरा पूरा ना देख रहे हो आप, पूरा एरिया देख रहे हो, एकदम सन्नाटा है, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ क्योंकि सबको मार के भगा दिया ना, तो कुछ बचा नहीं देखने के लिए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लगे रहिए और बने रहिए और हमें पल पल की खबर देते रहिए, और हर एक परिस्थिति के लिए पल पल अपडेट करते रहिए। मैडम मैडम हम कुछ कहना चाहेंगे, जो 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 लाल बाग में भेजी थी मुकेश को जो लाल बाग भेजी थी, तो उसने हमको फ़ोन किया, बोला कि उसका कैमरा वमरा सब उड़ गया है, बहुत तेज़ हवा आई थी, तो उसने हमको बता दिया कि जब हमारी बारी आएगी तो उनको बताने के लिए, तो चैनल वाला जब बोलना रहेगा तो बता देना कि बहुत तेज़ अब बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं, और वहाँ पर सब पतरा उतरा उड़ गया है, और TV चैनल पर बहुत दिखा रहे हैं, और अपने TV चैनल वाले कैमरा उड़ गया, उसका भी कैमरा मैन ससुरी भाग गया, मेरे को लग रहा है उसका कैमरा मैन मेरा कैमरा मैन दोनों साथ हम गांव भाग गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गांव भाग गए, जो बचे वो बचे, वो देश के लिए जान देंगे, इस न्यूज़ के लिए जान देंगे, हमको पता है, और आप उनमें से एक है, हम जानते हैं। मैडम छपरी न्यूज़ के लिए मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है मैडम, और यहाँ पे मुझे तूफान में, आंधी में, कभी आग में, कभी जंगल में आग लगती, कभी किधर कभी कुधर, कभी गुफा में, कभी इधर कभी उधर मुझको भेज दिया जाता है मैडम, और पगार नहीं बढ़ाई जा रही है मैडम, बताइए। देखिए समझाता हमारे कितने ज्यादा डेडिकेटेड है, उनको पगार की कोई चिंता नहीं है, ना ही उन्हें प्रमोशन की चिंता है। वाह, दैट्स वेरी अप्लॉडेबल एंड वेरी अप्रिशिएटेबल चीज है ये, वेरी गुड, उनको कोई भी किसी चीज की चिंता नहीं है, किसी चीज की फिक्र नहीं है, बहुत अच्छी बात है समझाता जी। और बताइए और क्या देख पा रहे हैं आप, क्या आप देख पा रहे हैं आपकी आंखें अंधी तो नहीं?
हो गई? नहीं मैडम, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यू की लाइट काट दी गई है, इसके लिए आप देख सकती हैं यहाँ पे पंखा नहीं घूम रहा है, जबकि वहाँ पे बटन चालू करके रखा था मैंने घर में, मतलब जिसके घर में पूरा खाली एनडीआरएफ की टीम भरी पड़ी है, सबको स्कूल में जमा कर दिए हैं, और जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप ये पंखा देख पा रही हैं, लाइट ना होने के कारण बटन ऑन करने के बाद भी ये पंखा गोल गोल नहीं घूम रहा है मैडम, और ना ही वो लाइट जल रही है। चाहे कुछ भी कर लीजिए मैडम, ये लाइट कटने के कारण ये सब स्थिति उत्पन्न हो गई है, और जिसके कारण से मैडम कि ये हो नहीं पा रहा है मैडम, लाइट नहीं वो हो पा रही है और कुछ चल नहीं पा रहा है मैडम। जी अवश्य जी, जी हम समझ गए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि लाइट कट चुकी है। जी हाँ, लाइट कट चुकी है बिकॉज ऑफ दिस तूफान, जिसे हम निसर्ग तूफान कहते हैं। तो घर में बने, कृपया करें घर में बने रहिए। अगर आपके घर में लाइट कट भी जाती है तो भी घर से बाहर मत निकलिए ठंडी हवा लेने के लिए। और क्या बता सकते हैं? और एक चीज आपने कही, आपने कही कि बहुत सारे लोग स्कूल में जमा है, तो वो स्कूल में जो लोग जमा है उनसे बात हो सकती है हमारी कोई भी एक पर्सन से? मैडम कोशिश तो करने गए थे, पर जैसे हम गए और हमको वहाँ पे दिखाया कि हम अपना न्यूज़ चैनल बताए कि कौन से न्यूज़ छपरी न्यूज़ से हैं, तो जैसे छपरी न्यूज़ बोला वैसे चप्पल निकाल के चपलिया दिए, तो छपरी न्यूज़ बोलते चपलिया दिए और हमको मार के भगा दिए। हम बात करना चाहते थे, मुँह पे मफलर बांधे और खूब हमको धो दिए। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, उन लोग बिजी है, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, सब सहमे हुए हैं इसीलिए शायद कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी और से, कोई बात नहीं। देखा अब कैसे बेइज्जती बचा ली, देखा। हाँ मैडम बोलिए मैडम। हाँ, तो अब मैं कह रही थी कि आप वहाँ से कब बाहर निकलने वाले हैं? मैडम निकलना चाहता हूँ, पर एनडीआरएफ वाले बोल रहे हैं तुम न्यूज़ वाले हो, तुम लोग पूरा कवर करोगे, जबरदस्ती बीच के बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। भाईंदर खाड़ी में जब जब बाहर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, खूब लतिया लतिया के मार रहे हैं, बार बार उधर ही बीच में बहा दे रहे हैं। बोल रहे तुम लोग बहुत चर्बी रहता, हर जगह पहुँचे रहते हो, कैमरा लेके लो इधर ही बने रहो, और बच जाओगे तो वापस जाना, नहीं तो इसी में बह जाना। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। तो काफी अच्छा लगा हमें ये जान के कि हमारे जो जितने भी संवाददाता है वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं बिना अपनी जान की परवाह किए, और वो मरने के लिए भी रेडी है। बहुत अच्छी बात है, क्या पता आपसे बात हो पाए या ना हो पाए। तो तब तक के लिए देखते रहिए छपरी न्यूज, और अलविदा। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड मैडम, आप तो प्रचार दिखा दिखा के पैसा कमा लेंगी, हमको मरने के लिए छोड़ दिए मैडम, हमको पैसा नहीं मिलेगा जी? आपकी आवाज मेरी, शायद उधर नेटवर्क इशू है, समझ रहा जी, इसलिए मैं सुन नहीं। हेलो हेलो, नेटवर्क तो 4 पॉइंट है मैडम। हेलो, पैसा नहीं मिलेगा? नहीं आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, समझ रहा जी। आवाज नहीं आ रही, समझ रहा जी। मैडम कोरोना हो गया आपको, पैसा नहीं मिलेगा हमको। हेलो मैडम, हाँ सर मैडम, हेलो। मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ है, प्लीज मुझे कोई उठा के मत लेके जाना, लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी, समझ आता जी। तो चलिए बाय बाय, चाचा, एंड तब तक के देखते रहिए छपरी न्यूज। ओके थैंक यू सो मच। जी हाँ, छपरी न्यूज से कैमरामैन भी हमारी हैं और हम ही न्यूज रिपोर्टर स्वप्निल शुक्ला। जय हिंद दोस्तों, देखते रहिए छपरी न्यूज, बचे रहेंगे तो फिर दिखेंगे।